प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है अनुभव। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। प्रियतम को एक वर्ष की सजा हो गई और अपराध केवल इतना था कि 3 दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शरबत पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त अदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनैतिक चेतना किसी बंदी पशु की भांति खड़ी चित्कार कर रही थी। मेरे प्राणधन हथकड़ियों से जकड़े हुए लाए गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था, मानो प्राण पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें सी उठ उठकर समस्त शरीर को रोमांचित किए देती थी। ओह, इतना गर्व मुझे कभी नहीं हुआ था। वह अदालत कुर्सी पर बैठा हुआ अंग्रेज अफसर, लाल जरीदार पगड़ियां बांधे हुए पुलिस के कर्मचारी सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़ते थे। बार बार जी में आता था दौड़कर जीवन धन के चरणों में लिपट जाऊं और उसी दशा में प्राण त्याग दूं। कितनी शांत, अविचलित, तेज और स्वाभिमान से प्रदीप्त मूर्ति थी। ग्लानी, विषाद या शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन ओठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिणी ओजस्वी मुस्कान थी। इस अपराध के लिए एक वर्ष का कठिन कारावास। वाह रे न्याय, तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे हजार अपराध करने को तैयार थी। प्राणनाथ ने चलते समय एक बार मेरी ओर देखा, कुछ मुस्कुराए, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटकर मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वयं सेवकों को बुलाकर खिलाया। और संध्या समय मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक ही नहीं हुई, मंच पर जाकर बोली और सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व लुट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर। विधाता का कठोर से कठोर आघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता है। दूसरे दिन मैंने 2 तार दिए, एक पिताजी को, दूसरा ससुर जी को। ससुर जी पेंशन पाते थे, पिताजी जंगल के महकमे में अच्छे पद पर थे, पर सारा दिन गुजर गया तार का जवाब नदारद। दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र आए, दोनों जामे से बाहर थे। ससुर जी ने लिखा, आशा थी तुम लोग बुढ़ापे में मेरा पालन करोगे, तुमने उस आशा पर पानी फेर दिया। क्या आप चाहती हो मैं भिक्षा मांगू? मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ, तुम्हें आश्रय देकर मैं अपनी पेंशन से हाथ नहीं धो सकता। पिताजी के शब्द इतने कठोर न थे, पर भाव लगभग ऐसा ही था। इसी साल उन्हें ग्रेड मिलने वाला था, वह मुझे बुलाएंगे तो संभव है ग्रेड से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मौखिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़ कर फेंक दिए और उन्हें कोई पत्र न लिखा। हाँ, स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। अपना ही पिता केवल स्वार्थ में बाधा पड़ने के भय से लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो जाता है। अपना ससुर अपनी बहू की ओर से इतना उदासीन हो जाए। मगर अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है। अब तक मैं अपने विषय में निश्चिंत थी, लेकिन अब यह नई चिंता सवार हुई। इस निर्जन घर में निराधार निराश्रय कैसे रहूंगी? मगर जाऊंगी कहाँ? अगर कोई मर्द होती तो कांग्रेस के आश्रम में चली जाती या कोई मजूरी कर लेती। मेरे पैरों में नारित्व की बेड़ियां पड़ी हुई थी। अपनी रक्षा की इतनी चिंता न थी जितनी अपने नारित्व की रक्षा की। अपनी जान की फिक्र न थी, पर नारित्व की ओर किसी की आंख भी न उठनी चाहिए। किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा, 2 आदमी खड़े थे। जी में आया, पूछूं तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मगर फिर ख्याल आया, मुझे यह पूछने का क्या हक। आम रास्ता है, जिसका जी चाहे खड़ा हो, पर मुझे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भांति हृदय के अंदर समा गई थी। गर्मी से देह फूकी जाती थी, पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लिया। घर में एक बड़ा सा चाकू था, उसे निकाल कर सिरहाने रख लिया। वह शंका सामने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी। किसी ने पुकारा, मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने द्वार से कान लगाया, कोई मेरी कुंडी खटखटा रहा था। कलेजा धक धक करने लगा, वही दोनों बदमाश होंगे।
क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं? मुझसे क्या काम है? मुझे झुंझलाहट आ गई। मैंने द्वार खोला और छज्जे पर खड़ी होकर जोर से बोली, कौन कुंडी खरखरा रहा है? आवाज सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितना ढाढ़स हो गया। यह बाबू ज्ञानचंद थे, मेरे पति के मित्रों में इनसे ज्यादा सज्जन दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर द्वार खोल दिया, देखा तो एक स्त्री भी थी। वह मिसेज ज्ञानचंद थी। वह मुझसे बड़ी थी, पहले पहल मेरे घर आई थी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। हमारे यहाँ मित्रता मर्दों ही तक रहती है, औरतों तक नहीं जाने पाती। दोनों जने ऊपर आए। ज्ञान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं, बड़े ही उदार विद्वान, निष्कपट, पर आज मुझे मालूम हुआ कि उनकी पथ प्रदर्शिका उनकी स्त्री है। वह दोहरे बदन की प्रतिभाशाली महिला थी। चेहरे पर ऐसा रौब था मानो कोई रानी हो। सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई, मुख सुंदर न होने पर भी आकर्षक था। शायद मैं उन्हें कहीं और देखती तो मुंह फेर लेती। गर्व की सजीव प्रतिमा थी। वह बाहर जितनी कठोर, भीतर उतनी ही दयालु। घर कोई पत्र लिखा? यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ लिखा था। कोई लेने आ रहा है? जी नहीं, न पिताजी अपने पास रखना चाहते हैं न ससुर जी। तो फिर क्या, अभी तो यहीं पड़ी हूं। तो मेरे घर क्यों नहीं चलती? अकेले तो इस घर में मैं न रहने दूंगी। खुफिया के दो आदमी इस वक्त भी डटे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गई थी दोनों खुफिया के आदमी होंगे। ज्ञान बाबू ने पत्नी की ओर देखकर मानो उसकी आज्ञा से कहा, तो मैं जाकर तांगा लाऊं? देवी जी ने इस तरह देखा मानो कह रही हो, क्या अभी तुम यहीं खड़े हो? मास्टर साहब चुपके से द्वार की ओर चले। ठहरो, देवी जी बोली, कै तांगे लाओगे? कै? मास्टर साहब घबरा गए। हाँ कै, एक तांगे पर तीन सवारियां ही बैठेंगी। संदूक बिछावन बर्तन भांडे क्या मेरे सिर पर जाएंगे? तो दो लेता आऊंगा, मास्टर साहब डरते डरते बोले। एक तांगे में कितना सामान भर दोगे? तो तीन लेता आऊं। अरे तो जाओगे भी, जरा सी बात के लिए घंटा भर लगा दिया। मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिए। मैंने सकुचाते हुए कहा, बहन तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा। और देवी जी ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ होगा तो अवश्य। तुम दोनों जून में दो तीन पाव भर आटा खाओगी, कमरे के कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में आने का तेल डालोगी, यह क्या थोड़ा कष्ट है? मैंने झेपते हुए कहा, आप तो बना रही हैं। देवी जी ने सदैव भाव से मेरा कंधा पकड़ कर कहा, जब तुम्हारे बाबूजी लौट आवे तो मुझे भी अपने घर मेहमान रख लेना, मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। अब तो राजी हुई, चलो असबाब बांधो, खाट वाट कल मंगवा लेंगे। मैंने ऐसी सदैव उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी थी। मैं उनकी छोटी बहन होती तो भी शायद इससे अच्छी तरह न रखती। चिंता या क्रोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का बाला न था, पर मैंने उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए लौंडा रख लिया था, भीतर का सारा काम खुद करती। इतना कम खाकर और इतनी मेहनत करके वह कैसे इतनी हृष्ट पुष्ट थी, मैं नहीं कह सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। जेठ की दोपहरी में भी लेटती न थी। हाँ मुझे कुछ न करने देती, उस पर जब देखो कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुझे यहाँ बस यही एक तकलीफ थी। मगर आठ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफियों को नीचे बैठा देखा। मेरा माथा ठनका, यह अभागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरंत बहन जी से कहा, वे दोनों बदमाश यहाँ भी मंडरा रहे हैं। उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं फिरने दो। मैं चिंतित होकर बोली, कोई स्वांग न खड़ा करें। उसी बेपरवाही से बोली, भूखने के सिवा और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। हंसकर बोली, इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता ना। मगर मेरी दाल में मक्खी पड़ गई। बार बार छज्जे पर जाकर उन्हें टहलते देखा थी। यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिर मैं नौकरशाही का क्या बिगाड़ सकती हूँ, मेरा सामर्थ्य ही क्या है? क्या यह सब इस तरह से मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? यही तो कि मैं मारी मारी फिरूं। कितनी नीची तबीयत है। एक हफ्ता और गुजर गया, खुफिया ने पिंड न छोड़ा।
मेरे प्राण सूखते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुझे अनुचित मालूम होता था, पर देवी जी से कुछ कह न सकती थी। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आए तो घबराए हुए थे। मैं बरामदे में थी, पड़वल छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवी जी को इशारे से बुलाया। देवी जी ने बैठे बैठे कहा, पहले कपड़े वपड़े उतारो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ, फिर जो कहना हो कह देना। ज्ञान बाबू को धैर्य कहा, पेट में बात की गंध तक न पचती थी। आग्रह से बुलाया, तुमसे उठा नहीं जाता, मेरी जान आफत में है। देवी ने बैठे बैठे कहा, तो कहते क्यों नहीं, क्या कहना है, यहाँ आओ। क्या यहाँ कोई और बैठा हुआ है? मैं वहाँ से चली, बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं जोर करने पर भी न छुड़ा सकी। ज्ञान बाबू मेरे सामने न कहना चाहते थे, पर इतना सब्र भी न था कि जरा देर रुक जाते। बोले, प्रिंसिपल से मेरी लड़ाई हो गई। देवी ने बनावटी गंभीरता से कहा, सच, तुमने उसे खूब पीटा ना? तुम्हें दिल लगी सोचती है, यहाँ नौकरी जा रही है, जब यह डर था तो लड़े क्यों? मैं थोड़े ही लड़ा, उसी ने मुझे बुलाकर डांटा, बेकसूर। अब तुमसे क्या कहूँ, फिर वही पर्दा। मैं कह चुकी यह मेरी बहन है, मैं इससे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती, और जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो तो? देवी जी ने जैसे पहेली बूझकर कहा, अच्छा समझ गई, कुछ खुफियों का झगड़ा होगा, पुलिस ने तुम्हारे प्रिंसिपल से शिकायत की होगी। ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपनी पहेली का बूझा जाना स्वीकार न किया। बोले, पुलिस ने प्रिंसिपल से नहीं, हाकिम जिला से कहा, उसने प्रिंसिपल को बुलाकर मुझसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया। देवी ने अंदाज से कहा, समझ गई, प्रिंसिपल ने तुमसे कहा होगा कि उस स्त्री को घर से निकाल दो। हाँ यही समझ लो। तो तुमने क्या जवाब दिया? अभी कोई जवाब नहीं दिया, वहाँ खरे खरे क्या कहता? देवी जी ने उन्हें आड़ों हाथे लिया, जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो उसमें सोच विचार कैसा? ज्ञान बाबू सिटपिटा कर बोले, लेकिन कुछ सोचना तो जरूरी था। देवी जी की त्योरियाँ बदल गई, आज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोली, तुम उस प्रिंसिपल से जाकर कह दो मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता, और न माने तो इस्तीफा दे दो, अभी जाओ, लौटकर हाथ मुंह धोना। मैंने रोकर कहा, बहन मेरे लिए? देवी ने डांट बताई, तो चुप रह, नहीं कान पकड़ लूंगी, तो क्यों बीच में कूदती है? रहेंगे तो साथ रहेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, इस मर्दुए को मैं क्या कहूँ, आधी उम्र बीत गई और बात कहना ना आया। पति से बोली, खरे सोच क्या रहे हो, तुम्हें डर लगता है तो मैं जाकर कह आऊं? ज्ञान बाबू ने खिसिया कर कहा, तो कल कह दूंगा, इस वक्त कहाँ होगा कौन जाने। रात भर मुझे नींद नहीं आई। बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते उसका यह आदर, राह की भिखारिन का यह सम्मान, देवी तो सचमुच देवी है। दूसरे दिन ज्ञान बाबू चले तो देवी ने फिर कहा, फैसला करके घर आना, यह ना हो कि फिर सोचकर जवाब देने की जरूरत पड़े। ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा, तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो बहन जी, मैं यह कभी नहीं देख सकती कि मेरे कारण तुम्हें यह विपत्ति झेलनी पड़े। देवी ने हास्य भाव से कहा, कह चुकी या कुछ और कहना है? कह चुकी, मगर अभी बहुत कुछ कहूंगी। अच्छा बता, तेरे प्रियतम क्यों जेल गए? इसीलिए तो कि स्वयं सेवकों का सत्कार किया था। स्वयं सेवक कौन है? यह हमारी सेना के वीर हैं जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। स्वयं सेवकों के भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वह भी तो कोई कारोबार करते होंगे, पर देश की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे वीरों का सत्कार करने के लिए जो आदमी जेल में डाल दिया जाए उसकी स्त्री के दर्शनों से भी आत्मा पवित्र होती है। मैं तुझ पर एहसान नहीं कर रही हूँ, तुम मुझ पर एहसान कर रही है। मैं इस दया सागर में डुबकियाँ खाने लगी, बोलती क्या। शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे तो उनके मुख पर विजय का आनंद था। देवी ने पूछा, हार कि जीत? ज्ञान बाबू ने अकड़कर कहा, जीत। मैंने इस्तीफा दे दिया तो चक्कर में आ गया, उसी वक्त हाकिम जिला के पास गया, वहाँ न जाने मोटर पर बैठकर दोनों में क्या बातें हुई, लौटकर मुझसे बोला, आप पॉलिटिकल जलसों में तो नहीं जाते? मैंने कहा, कभी भूलकर भी नहीं। कांग्रेस के मेंबर तो नहीं है? मैंने कहा, मेंबर क्या, मेंबर का दोस्त भी नहीं। कांग्रेस फंड में चंदा तो नहीं देते? मैंने कहा, कानी कौड़ी भी कभी नहीं देता। तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, मैं आपका इस्तीफा वापस करता हूँ। देवी जी ने मुझे गले लगा लिया।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।